अर्जुन, लगता है तुम इस युद्ध को हार जाने का निर्णय ले चुके हो। जानते हो अकेले गंगा पुत्र ने तुम्हारे कितने सैनिकों, कितने योद्धा और कितने महारथियों का वध किया है? और यदि गंगा पुत्र का वध करके वो ऋण तुम नहीं उतारोगे तो उनका वध करके वो ऋण मैं उतारूंगा। दोस्तों, ये जो आवाजें आपने अभी सुनी हैं, इन्हें शायद हमारे दौर का कोई भी इंसान कभी भुला नहीं पाएगा। हमारे मनो मस्तिष्क दिलो दिमाग में ये बातें, ये डायलॉग्स जैसे बसे हुए हैं। आज का हमारा नायक वो शख्स है जिनकी कलम से निकली थी ये यादगार लाइंस। एक ऐसा साहित्यकार जिसे फिल्मी दुनिया साहित्यकार मानती थी, तो साहित्य की दुनिया में उन्हें देखा जाता था एक फिल्मी राइटर की तरह। कोई उन्हें आधुनिक भारत का वेद व्यास कहता तो कोई उन पर अश्लीलता के आरोप लगाता दिखता। कभी किसी एक ही कहानी के लिए पूरा देश उनका मुरीद बन जाता था, तो कभी उसी कहानी के लिए उनका पूरा खानदान उनसे नाराज हो जाता था, उनसे मुंह मोड़ लेता था। जी हाँ, ऐसी ही अजीबोगरीब शख्सियत के मालिक थे हमारे आज के नायक डॉक्टर राही मासूम रजा साहब। नायक मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लेट कर पतंग उड़ाया करते थे राही मासूम रजा साहब, क्यों नाराज हो गए उर्दू के साहित्यकार उनसे, और क्यों महाभारत की वजह से उन्हें मिलने लगे धमकी भरे खत। होंगी कई और दिलचस्प, रोचक और प्रेरणादायक बातें डॉक्टर रजा के जीवन से जुड़ी हुई। आप कहीं जाइएगा नहीं, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर हमारी खास पेशकश नायक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप बात कर रहे हैं हम आज हमारे महानतम कहानीकारों में से एक डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की। राही मासूम रजा का जन्म एक संपन्न और सुशिक्षित शिया परिवार में हुआ। राही साहब के पिता गाजीपुर की जिला कचहरी में वकालत किया करते थे। राही साहब का बचपन भी दूसरे बच्चों की तरह ही बीतता, हंसते खेलते शरारतें करते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बचपन में ही उनके पांव को पोलियो ने जकड़ लिया था। इस बीमारी की वजह से राही मासूम रजा साहब अकेले गुमसुम चारपाई पर पड़े रहते और सामने खेलते बच्चों को देखते। पतंग उड़ाने का उन्हें बचपन से ही बहुत शौक था, तो गांव के लड़के जब पतंग उड़ाते और पतंग बहुत ऊंची हो जाती तो फिर उनके दोस्त राही साहब के हाथ में डोर पकड़ा देते और राही मासूम रजा पतंग उड़ाने का अपना शौक पलंग पर लेटे लेटे ही पूरा करते। यही वो दौर था जब राही साहब ने चीजों को बारीकी से देखना, समझना, महसूस करना भी सीखा। बिस्तर पर पड़े पड़े ही उन्होंने काफी किताबें पढ़ डाली। लेकिन ये बात भी नहीं थी कि दूसरे बच्चों की तरह वो शरारत नहीं किया करते थे। बचपन में गांव वाले उन्हें मसूम्बा कहकर बुलाया करते थे। बचपन में मोहल्ले के बच्चे चोर सिपाही का खेल खेल रहे होंगे, नाटक कर रहे होंगे, तो बड़ा भाई बना हुआ था पुलिस ऑफिसर, सीन था कि छोटे भाई यानी मसूम्बा को गोली मारी जानी है। ठीक उसी समय मासूम साहब की बड़ी बहन कमरे में दाखिल हुई, देखा मासूम तो जमीन पर चित पड़ा हुआ है बच्चा। बड़े भाई से पूछा, भाई इसे क्या हुआ है? खेल ही खेल की रौ में बड़ा भाई बोला, मासूम्बा मर गया है। बस फिर क्या था, बहन ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। और जब सच पता चला, पहले तो सब हंसे, फिर गुस्सा भी हुए और बड़े भाई की पिटाई भी हो गई थोड़ी बहुत। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों इनकार कर दिया कुछ अपनी ही लिखी हुई नॉवेल्स को अपना नाम, अपना हस्ताक्षर देने से राही मासूम रजा साहब ने। कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ। सुन रहे हैं आप नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज भारत के सबसे जाने माने साहित्यकारों में से एक डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की। अभी आपको किस्सा सुना रहे थे ना, तो उन्हीं बड़ी बहन के बेटे यानी डॉक्टर रजा साहब के भांजे नदीम हसनैन साहब भी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और ये किस्सा उन्होंने ही हमें बताया कि क्यों इनकार कर दिया करते थे राही साहब कई बार अपनी नॉवेल्स को
अपना नाम अपना हस्ताक्षर देने से। सुनते हैं डॉक्टर राही मासूम रजा साहब के भांजे नदीम हसनैन साहब की जुबानी ये किस्सा। उस जमाने में निखत पब्लिकेशंस बहुत बहुत मशहूर पब्लिशिंग हाउस था, राही साहब ने उसको वहाँ ज्वाइन किया और वो लगातार उसमें लिखते रहे। तो उस वक्त मेरे कॉलेज डेज की बात है, मैं उसको बहुत पढ़ता था उस जमाने में भी, मेरे स्कूल कॉलेज डेज में हर महीने एक या दो नॉवेल निकला करती थी जो रूमानी दुनिया के नाम से होती थी और एक जासूसी दुनिया। तो जासूसी दुनिया आमतौर से इब्न सफी लिखा करते थे और बहुत मशहूर होते थे वो नॉवेल। रूमानी दुनिया आमतौर से इब्न सईद साहब लिखते थे, शकील जमाली साहब लिखते थे और राही साहब शाहिद अख्तर के नाम से ज्यादातर लिखते थे। बाद में कुछ एक दो नॉवेल उन्होंने आफा खैदर के नाम से भी लिखा। और एक बार मैंने उनसे पूछा भी मुलाकात में कि आपका मैं बायोडेटा जो छपता है किताबों में मैं देख रहा था तो उसमें नॉवेल के तौर पर एक ही नॉवेल आपका देखता हूँ उर्दू में लिखा हुआ और वो है मोहब्बत के सिवा, जो शाहिद अख्तर के नाम से है। तो वो हंसने लगे, उन्होंने हंस के कहा कि मैं और किसी भी दूसरे नॉवेल को अपना नाम नहीं दूंगा। तो मैंने उनसे पूछा भी कि इसको भी आपने शाहिद अख्तर के नाम से लिखा, लेकिन वो कहने लेकिन फिर भी मैं कम से कम ये कुछ लोगों में तो क्लेम कर सकता हूँ ना कि ये मेरा नॉवेल है। ये तो कुछ उनके दिमाग में जाहिर है शुरू से ही कुछ इस तरह की बात थी कि ये बड़ा एक अपनी रोजी रोटी के लिए खाली वो लिख रहे हैं इसको और कोई बड़ा अदबी कारनामा उसमें कोई नहीं है, कोई बड़ा उनका अदबी कोई अचीवमेंट भी नहीं है ये। तो गालबन इसीलिए कोई बहुत ज्यादा वो उसको लेके बड़ा पुरजोश और एंथुजियास्टिक नहीं रहा करते थे। तो साहब इस वजह से डॉक्टर राही मासूम रजा साहब कई बार अपने ही कृत्य को अपने ही लेखन को अपना नाम देने में परहेज कर जाया करते थे। आगे बढ़े उससे पहले डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की लिखी हुई ये बेहतरीन गजल आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर साहित्यकार डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की। उच्च शिक्षा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्राप्त की, जहां से उन्होंने 1960 में एमए की डिग्री ली और फिर 1964 में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर तिलिस्म होश रुबा में भारतीय सभ्यता और संस्कृति विषय पर डॉक्टरेट की डिग्री ली। लेकिन ये वो दौर भी था जब यंग एंड हैंडसम डॉक्टर राही मासूम रजा साहब पर शहर की लड़कियां बड़ी जान छिड़कती थीं। कुछ तो उनकी अदा, फिर कुछ उनकी शायरी और उनकी कहानियां सुनाने का अंदाज। तो सुनते हैं उनके भांजे नदीम हसनैन साहब से कुछ इस बारे में भी किस्से। वो जब अलीगढ़ मूव कर गए तो वो बतौर शायर जो है वो उस वक्त तक बहुत पॉपुलर हो चुके थे और मुशायरों में भी जाया करते थे और अपने खास तरंडुम की वजह से और जो उनकी तरफ की पसंद शायरी थी उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। और मुझसे पहले की जनरेशन वालों का ये कहना है कि मजाज के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई शायर जो सबसे ज्यादा वहाँ की लड़कियों में पॉपुलर हुआ वो राही साहब थे उसके बाद। और लोग उनके इस जो पैरों की डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से थोड़ा लंगड़ा के वो चलते थे वो उसमें भी वो एक हुस्न तलाश कर लिया करती थी उसके अंदर। बहुत खूब नदीम हसनैन साहब। लेकिन दोस्तों वो शहर उन्हें छोड़ना पड़ा बहुत जल्दी, अलीगढ़ छोड़ बम्बई का रुख उन्हें करना पड़ा और शायद इसलिए ही राही साहब ने ये लिखा था उन दिनों, जिनसे हम छूट गए अब वो जहां कैसे हैं, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मकां कैसे हैं, ऐ सबा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे पैरों के निशा कैसे हैं। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम मशहूर साहित्यकार डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की। राही साहब की पहली शादी कामयाब नहीं रही थी। वो जब अलीगढ़ में पढ़ाया करते थे तब उनकी मुलाकात हुई नैयर रजा से। नैयर रजा के ससुर साहब महाराजा हरि सिंह के जमाने में कश्मीर के गृह मंत्री होम मिनिस्टर हुआ करते थे। हालांकि नैयर रजा का कई बरस पहले तलाक हो चुका था, तीन बेटे भी थे उनके।
नैयर रजा बताती हैं कि श्रीनगर में राही साहब के बड़े भाई ने परिचय करवाया था कि ये मेरा छोटा भाई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और अलीगढ़ में इनकी शायरी के बड़े मुरीद हैं लोग। लेकिन नैयर रजा का कहना है कि पहली मुलाकात में वो कतई इम्प्रेस नहीं हुई थी डॉक्टर रजा से, लेकिन धीरे धीरे अलीगढ़ में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। लेकिन अलीगढ़ के शोहदों को एक जैसे बहाना मिल गया अफवाहें फैलाने का। उन्होंने नैयर रजा और राही साहब की प्रेम कहानी को लेकर एक विवाद सा खड़ा कर दिया शहर में, और लोगों का कहना है कि यह भी एक वजह रही जिसकी वजह से डॉक्टर राही मासूम रजा को अलीगढ़ छोड़ बंबई का रुख करना पड़ा। लेकिन इस बात से नैयर रजा इनकार करती हैं। उनका कहना है कि दरअसल अलीगढ़ छोड़ा रजा साहब ने इसलिए कि वहां उर्दू डिपार्टमेंट में कई अखड़ प्रोफेसर थे और राही साहब के विचार उनसे मेल नहीं खाते थे, उनके अंदाज से, उनके तरीकों से वो नौकरी नहीं करना चाहते थे, और शायद इन अखड़ अड़ियल प्रोफेसर की वजह से ही राही मासूम रजा साहब ने यह भी फैसला किया कि वो उर्दू में लिखेंगे ही नहीं। वो उर्दू शब्दों का, लफ्जों का बड़ा खूबसूरत प्रयोग करते थे, लेकिन लिखते थे देवनागरी लिपि में। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी अकेले डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज जाने माने साहित्यकार, मशहूर कहानीकार डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की। तो कैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ अकेले आवाज बुलंद कर दी एक मर्तबा डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने। अगर आप कटरा बी आरजू नॉवल पढ़ेंगे तो देखेंगे ये नॉवल पूरी तरह इमरजेंसी के खिलाफ लिखा गया उपन्यास है। कटरा बी आरजू लिखते वक्त किस तरह इमरजेंसी राही साहब के जहन पर सवार थी, उसका अंदाजा इस उपन्यास के पहले पेज को पढ़ते ही आपको लग जाएगा। इस नॉवल को राही साहब ने डेडिकेट किया है, समर्पित किया है अपने दो दोस्तों के नाम। अब आपको उन दो दोस्तों का भी किस्सा सुनाता हूं। हुआ कुछ यूं था कि इमरजेंसी के दौरान हर राइटर्स एसोसिएशन को कुछ सरकारी निर्देश मिले थे जिसमें कानूनन उन्हें बाध्य किया गया था क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। बड़े बड़े दिग्गज इंदिरा गांधी के इस फरमान के सामने नतमस्तक हो गए थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। राही मासूम रजा लेखक बिरादरी में बहुत सुलझे हुए, शांत और सरल स्वभाव के लेखक माने जाते थे। लेकिन एक दिन जब राइटर्स एसोसिएशन में इस नए फरमान को लेकर चर्चा हो रही थी, तभी अचानक राही साहब मंच पर आ गए और पुरजोर आवाज में उन्होंने इमरजेंसी और इंदिरा गांधी की नीतियों का और नए अध्यादेश का विरोध करना शुरू कर दिया। अगर बात जबानी विरोध तक ही रुक जाती तब भी गनीमत थी। राही साहब तो बकायदा राइटर्स की तरफ से एक पत्र भी उस मंच पर लेकर आए थे जिसमें एक प्रस्ताव पारित करने की बात की गई थी उस राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से इंदिरा गांधी की भर्त्सना के स्वरूप। आप हिम्मत देखिए साहब, उधर राही मासूम रजा साहब इस जोश भरे अंदाज में तकरीर कर रहे थे और सामने बैठे लेखकों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। तभी भीड़ में से दो राइटर्स निकलकर बाहर आए, उन्होंने राही साहब के हाथ से पर्चा लिया और उस पे हस्ताक्षर कर दिए। यही वो दो लेखक थे जिन्हें समर्पित की राही साहब ने अपनी वो तारीखी नॉवल कटरा बी आरजू, इंदिरा गांधी और उनकी इमरजेंसी के खिलाफ राही मासूम रजा का लेखन। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। जिस सीरियल ने भारतीय टेलीविजन का व्याकरण ही जैसे बदल कर रख दिया, ग्रामर ही जैसे चेंज कर दी, और ये नया व्याकरण लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि आधुनिक भारत के वेद व्यास की तरह मशहूर हो जाने वाले हमारे आज के नायक डॉक्टर राही मासूम रजा ही थे। फिर चाहे महाभारत में भीष्म पितामह के इस तरह के यादगार डायलॉग्स, मेरी विवशता कौन समझ सकता है गिरिधर, कौन समझ सकता है।
या फिर साजिश करते हुए दुर्योधन और शकुनी मामा की तरकीबें। ये तुम्हारे गंगापुत्र, ये भरत शिरोमणि, अरे ये हमें हारने तो अवश्य नहीं देंगे भांजो, परंतु ये भी निश्चित है कि हमें जीतने भी नहीं देंगे। जिन दिनों महाभारत टेलीविजन सीरियल टेलीकास्ट हो रहा था, उन दिनों हजारों खत डॉक्टर रजा के पास रोज आया करते थे। उनमें से ज्यादातर तो उनकी प्रशंसा के खत होते थे, लेकिन एक छोटी गड्डी ऐसे खतों की भी होती थी जिनमें उनकी जबरदस्त आलोचना होती थी। मुस्लिम कट्टरपंथी उन्हें यह कहकर गाली लिखते थे कि ये क्या लिख रहे हो, लिखना है तो कुरान पर लिखो, महाभारत क्यों लिखते हो। और हिंदू कट्टरपंथी उनकी इस बात पर आलोचना करते थे कि एक मुसलमान कैसे हिम्मत कर रहा है, जुर्रत कर रहा है महाभारत लिखने की। शायद हिंदू मुसलमान के बीच इस खाई को पाटने के लिए ही उन्होंने अपना मशहूर नॉवल टोपी शुक्ला लिखा था, जो हिंदू मुस्लिम ताने बाने को बहुत सरलता से सुलझाता हुआ नजर आता है। तो ये थे हमारे आज के नायक, महान कहानीकार और साहित्यकार डॉक्टर राही मासूम रजा साहब। कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, टेक केयर एवरीवन।